सो इंजीनियर्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पीवी स्ट्रक्चर के जो कॉलम की कास्टिंग है, उसके जो बोल्ट की मार्किंग है, वो हम लोग कैसे करते हो। आज हम देखने वाले हैं कि पीवी स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में। बहुत सारे इंजीनियर्स ने कहा था कि सर इसमें सैगरॉड के बारे में बताइए, पर्लिन के बारे में बताइए और साथ ही में हमारे गर्ड्स के बारे में भी बताइए। तो आज मैं वही सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं और साथ ही में पीवी स्ट्रक्चर का लोड मैकेनिज्म कैसे होता है ये भी आज हम बात करने वाले हैं। सो इंजीनियर्स, लास्ट तक ये वीडियो देखना है और आज पूरा सीख कर जाना है कि हम लोग कैसे इसके कंपोनेंट्स के बारे में जान सकते हैं। और सिविल इंजीनियरिंग में एक बहुत बड़ा पार्ट है पीवी स्ट्रक्चर का, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी के थ्रू बनते हैं। अगर मैं मेट्रो स्टेशंस की भी बात करूं तो वहां पर भी पीवी स्ट्रक्चर्स का ही यूज होता है। सो इंजीनियर्स, बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो इंजीनियर्स, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि प्रिपेयर बिफोर इरेक्शन एंड इरेक्ट कॉलम्स। कॉलम्स के बारे में जो हमने इसके लास्ट वीडियो में देखा है, इरेक्ट राफ्टर, राफ्टर को कैसे इरेक्ट करते हो, राफ्टर किसे बोलते हैं, आज हम वो भी देखने वाले हैं। इरेक्ट पर्लिन एंड ब्रेसेस, की पर्लिन क्या होता है, ब्रेस क्या होता है, ये समझेंगे हम। इरेक्ट नेक्स्ट फ्रेम, ये प्रोसेस है, ये अगर हम लोगों ने एक बार इरेक्ट कर लिया उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फ्रेम को इरेक्ट करते हैं। इसके बाद इरेक्ट रूफ मॉनिटर, रूफ मॉनिटर क्या होता है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि चेक कंप्लीटेशन बिफोर कवरिंग, और कवरिंग हम लोग किस चीज से करते हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जो हम चीज देखेंगे वो देखेंगे इरेक्ट राफ्टर। चलिए देखते हैं इसमें से राफ्टर कौन सा है। ये जो आपको बीम जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये होता है हमारा राफ्टर, ये हमारा कॉलम है और ये हमारा राफ्टर है। ये पूरा मिलके ही एक फ्रेम बनती है। ये एक, अगर मैं बात करूं, ये बीम है एक तरीके से हमारे, अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अगर आप लोगों को मैं समझाऊं तो ये बीम है और ये तो हमारा कॉलम ही है। तो आप लोगों को ये समझना है कि अगर जैसे ये तो एक पूरा थ्रू आउट लग गया है, लेकिन इसमें और एक कंपोनेंट रहता है, वो मैं आप लोगों को समझाता हूं कि यहां पर और एक कंपोनेंट रहता है। अब ये जो कंपोनेंट है ये आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन है, लेकिन उसी के तरीके से अगर ये जो है ये 30 मीटर से ज्यादा होता या 30 मीटर होता तो यहां पर एक और कंपोनेंट लगता, वो लगता हमारा टी सेक्शन। मतलब यहां पर और एक कॉलम लगता जो कुछ टी शेप का होता, इस तरीके से टी शेप का होता, जैसे आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा टी सेक्शन। सो ये सारी चीजें समझना जरूरी है कि ये होता है आई सेक्शन, ये होता है टी सेक्शन और ये होता है राफ्टर। इसके बाद हम लोग समझते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो कि राफ्टर इरेक्ट हो रहा है, मतलब कि ये राफ्टर है, ये कॉलम है और इन दोनों के बीच में भी बोल्टिंग की जाएंगी। इसके बाद हम लोग पर्लिन को इरेक्ट करते हैं। पर्लिन समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर देखिए यहां पर कंपोनेंट दो होते हैं, एक गर्ट होता है और एक पर्लिन होता है, दोनों एक ही मटेरियल है, एक ही चीज है, लेकिन जब वो अलग जगह यूज होती है तो उसका नाम बदल जाता है। जैसे अगर यहां पर यूज होने वाली है, रूफ में यूज होने वाली है, तो वो कहलाती है पर्लिन, और अगर कॉलम टू कॉलम यूज होने वाली है तो वो कहलाती है साइड वॉल गर्ड, या फिर कहूं मैं सिर्फ गर्ड। समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रूफ में यूज हो रही है तो पर्लिन है, और अगर कॉलम टू कॉलम यूज हो रही है, मतलब कि साइड वॉल्स में यूज हो रही है, तो वो होती है गर्ड। तो अगर आप लोग कहीं पर यह चीज देखें कि यहां पर गर्ट यूज करना है, बहुत सारे इंजीनियर साइट पर कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो लोग बिल में या वर्क ऑर्डर में यह देखते हैं कि यहां पर गर्ट ऑर्डर करना है और पर्लिन ऑर्डर करना है, तो क्या ये दो अलग मटेरियल है? ऐसा नहीं होता है, मटेरियल एक ही होता है, बस इनका नाम चेंज होता है इनकी पोजिशन के हिसाब से। अगर ये लोग रूफ पर लग रहे हैं तो ये पर्लिन है, और अगर ये कॉलम टू कॉलम या साइड वॉल्स में लग रहे हैं तो ये गर्ट है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगली इमेज में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये है पर्लिन हमारी, एकदम क्लियर देखिए, ये पर्लिन्स होती है जो हमारी रूफ में लग रही है, और अगर यही वॉल्स में लगती है तो ये गर्ट हो जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दो अलग कंपोनेंट्स है। सो इंजीनियर्स, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं हम लोग ब्रेसेस के बारे में। अगर मैं पर्लिन के बारे में बात करूं तो पर्लिन के बारे में आप लोग लगभग समझ गए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि ब्रेसेस क्या होते हैं। ब्रेसेस अगर आप लोग देखें तो ये केबल वायर्स होते हैं एक तरीके से, जो कि कॉलम के एंड से जुड़े हुए होते हैं, और ये जुड़ते हैं सीधा जाकर हमारे जो राफ्टर है उसके एंड में।
या फिर उसके टॉप में कहूं मैं आप लोगों को। ये जो आप लोगों को टॉप दिख रहा है राफ्टर का, यहां पर ब्रेसेस की शुरुआत होती है और खत्म होते हैं ये बिल्कुल हमारे कहां पर, कॉलम के एंड पर। तो आप लोग अगर इसका यूज देखे तो एक तरीके से इसका यूज होता है कि हमारे राफ्टर और कॉलम को अलाइन करके रखना। और जैसे आप लोग यहां पर ब्रेसेस देख रहे हो उसी तरीके से दो राफ्टर्स के बीच में ऊपर साइड भी ब्रेसेस लगाए जाते हैं और ये एक पूरी फ्रेम बनाई जाती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कॉलम के बीच में ये लगाया जाता है आप लोगों को, कि ये अगर दो कॉलम के बीच में लगाया गया है तो अगले जो दो कॉलम होंगे उनके बीच में नहीं लगाया जाएगा, एक फ्रेम को छोड़ दिया जाता है और अल्टरनेट वाइज लगाया जाता है। तो यहां पर ब्रेसिंग की गई है जैसे आप लोग देख रहे हो, उसी के साथ साथ ऊपर में भी दो राफ्टर के बीच में भी ब्रेसिंग की गई होगी। ब्रेसिंग कैसे होती है थोड़ा डिटेल में समझते हैं अगली इमेज में। जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहां पर हुक्स लगे हुए हैं और ये हमारे कॉलम्स हैं और ये हुक्स है और ये जो है ये जाकर फिक्स होते हैं हमारे कॉलम्स में और ये जाकर फिक्स होते हैं हमारे राफ्टर्स में और ये होती है हमारे ब्रेस की ग्रिप। तो इस तरीके से हमारा ब्रेसेस होते हैं जो लगाए जाते हैं हमारे कॉलम से लेके राफ्टर में, ताकि एक अलाइनमेंट सेट रहे, पूरे तरीके से टाइट किया जाता है इन्हें। सो इंजीनियर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैलिब्रेट हमें जो फर्स्ट फ्रेम, जो हम लोगों ने फर्स्ट फ्रेम सेट किए, फर्स्ट फ्रेम कैसे सेट हुई। सबसे पहले तो कॉलम लगा, कॉलम के बाद राफ्टर लगा, राफ्टर के बाद आप लोगों ने ब्रेसिंग्स लगाई और पर्लिंस लगाई। इसी के बाद आप लोग अब इसे कैलिब्रेट करोगे, फर्स्ट जो फ्रेम रहेंगी हमारी उसे हम लोग पूरी तरीके से कैलिब्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रेसिंग्स। और उसी के साथ साथ हम लोग इसके लेवल्स चेक करेंगे, लेवल्स हम लोग स्पिट बबल से लेवल चेक कर सकते हैं। साथ ही में अलग अलग इसके मेथड्स होती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक तरीके से पूरा लेवल चेक किया जा रहा होगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर पूरी तरीके से कैलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पूरी तरीके से कैलिब्रेट करेंगे फर्स्ट फ्रेम को, अगली फ्रेम को इरेक्ट करने से पहले ये काम हमें खत्म करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी फ्रेम्स एक साथ इरेक्ट करेंगे और एक साथ उनको कैलिब्रेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को एक फ्रेम को इरेक्ट करना है और उसे ही कैलिब्रेट करना है पहले, उसके बाद अगली फ्रेम को हम लोग इरेक्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग और हम नेक्स्ट फ्रेम की इरेक्शन की बात, सेम प्रोसेस रहेंगी। कैलिब्रेट होने के बाद आप लोग कॉलम सेट करोगे, कॉलम सेट करने के बाद राफ्टर, राफ्टर के बाद पर्लिंस, पर्लिंस के बाद अगर मैं ब्रेसेस की बात करूं तो ब्रेसेस। इस तरीके से आप लोग पूरी एक फ्रेम को सेट करेंगे। इसके बाद हम लोग अगला जो है वो रूफ मॉनिटर के बारे में समझते हैं, रूफ मॉनिटर के यूज भी समझते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो कि लाइट का तो सबसे आसान यूज रहता है, इसमें लाइटिंग आ जाती है, हमारा जो वेयर हाउस होता है उसमें एक अच्छे लाइटिंग सिस्टम का काम करता है हमारा रूफ मॉनिटर। उसी के साथ साथ अगर रूफ की क्लीनिंग का काम चल रहा हो तो यहाँ पर जो है पूरे तरीके से केबल वायर्स को अटैच करने के लिए, सेफ्टी केबल वायर्स को अटैच करने के लिए भी हमारा रूफ मॉनिटर काम आता है। तो उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को समझ भी नहीं आया कि रूफ मॉनिटर क्या है, तो ये होता है हमारा रूफ मॉनिटर, है ना, ये होता है हमारा रूफ मॉनिटर जो कि शीट्स के द्वारा बनाया जाता है। ये शीट्स देख रहे हो आप लोग, यहीं पर जो है रूफ मॉनिटर को एडजस्ट किया जाता है। और मैंने आप लोगों को टी सेक्शन के बारे में बताया था, तो वो आप लोग यहां पर देख सकते हो अंदर की तरफ, यहां पर टी सेक्शन, ये जो है ये फ्रेम है, लेकिन ये फ्रेम कौन सी है, ये हमारे सिंपल पीवी स्ट्रक्चर वाली नहीं है। यहां पर आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये हमारे बाउंड्री वॉल्स के तरफ ज्यादा कॉलम्स का यूज किया जाता है, लेकिन ये वो आई सेक्शंस नहीं है जो हम लोग यहां पर यूज करते हैं, इनका साइज बड़ा होता है। ये सिर्फ जो है वो पर्लिंस को सेट करने के लिए और उसी के साथ साथ शीट को स्टेबल करने के लिए ये छोटे कॉलम्स का यूज किया जाता है। और अगर मैं बात करूं तो सारा लोड जो होता है वो इन्हीं कॉलम्स के ऊपर होता है। सो इंजीनियर्स हम लोगों ने काफी सारी चीजें समझ ली। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चेक कैसे करना होता है हमें पूरा, अगर आप लोगों को कवर करना है इसे, तो इससे पहले हमें पूरी तरीके से इसे चेक करना होता है। चेक करना है मतलब कि सारी फ्रेम्स अगर एक बार सेट हो गई है तो हमें कवरिंग करनी पड़ती है विद हेल्प ऑफ इन शीट्स के, और उसी के साथ साथ इसमें एक इंसुलिन शीट भी डाली जाती है। अगर हम लोग देखें तो जो हमारे इंसुलिन शीट्स होती है
उसमें जो होता है वो इंसुलिन मटेरियल होता है जिससे वो टेम्परेचर को एडजस्ट करता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर को हमारे वेयर हाउस में ज्यादा अफेक्ट करने नहीं देता है। ये सारी शीट्स हमें कवर करनी होती है। तो आप लोग यहां पर अच्छे से देख सकते हो कि ये पूरी फ्रेम स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट किया गया है। इसके बाद आप इसे चेक करोगे कवरिंग करने से पहले, हमें ये चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर पूरी तरीके से इस तरीके से आपको शीटिंग करनी है तो आपको सबसे पहले सारी चीजें चेक करनी होगी, क्या पर्लिन सही से लग गया है, क्या सारी सैग रॉड्स लगी हुई है, या फिर उसी के साथ साथ क्या ये सारे कैलिब्रेटेड है या नहीं। तो ये चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कवरिंग से पहले। तो ये लास्ट स्टेप होती है हमारे वेयर हाउस की। और इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसका लोड मैकेनिज्म समझेंगे, तो वो समझते हैं हम लोग। तो अब हम लोग लोड मैकेनिज्म समझते हैं हमारे वेयर हाउसेस का। तो अगर मैं कहूं कि ये आप लोगों को आई सेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, उसी के साथ साथ ये हमारे राफ्टर्स हैं, तो कॉलम्स के ऊपर तो हमारे इन राफ्टर्स का लोड आना ही है, और राफ्टर्स के ऊपर लोड आने वाला है हमारी शीट्स का, और उसी के साथ साथ ये जो हमारी पर्लिंस लगी है इनका, और ये ट्रांसफर होता है हमारा सीधा सीधा हमारे कॉलम्स पर, और वो जाता है हमारी फुटिंग पर। तो इस तरीके से, और उसी के साथ साथ अगर मैं शीट्स की बात करूं, यहां पर भी शीट लगेंगी, ये जैसी शीट्स लगी है यहां पर भी शीट्स लगने वाली है, और इन शीट्स का जो लोड जाता है वो जाता है पर्लिंस पर, और पर्लिंस से जो लोड ट्रांसफर होता है यहां पर, ये जो पर्लिंस आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये पर्लिंस पर मतलब गर्ड्स पर, गर्ड्स पर जब इसका लोड जाता है उसके बाद गर्ड्स ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ सैग रॉड। सैग रॉड से वो अपने अपने लोड को ट्रांसफर करता है और वो अगले गर्ड में जाता है। उसी के साथ साथ अगर मैं सैग रॉड की बात करूं तो ये जो दो गर्ड्स होते हैं ये दोनों बेंड ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखता है हमारा सैग रॉड। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। जिस तरीके से अगर मैं हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो स्लैब से बीम में, बीम से कॉलम में, कॉलम से फुटिंग में, उसी तरीके से राफ्टर्स, अगर मैं बात करूं शीट से पर्लिंस पर, पर्लिंस से राफ्ट पर, राफ्ट से कॉलम पर, और कॉलम से सीधा सीधा हमारे फुटिंग पर। इस तरीके से लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है हमारे पीबी स्ट्रक्चर का। सो इंजीनियर्स, होप करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी ऐसे टेक्निकल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।